हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया प्रैक्टिसिंग गाइनेकोलॉजिस्ट ऑक्सटोट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सो फ्रेंड्स आज हमारे साथ है डॉक्टर गौरव शास्त्री Uh, जो एक जेनेटिसिस्ट है ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जेनेटिक काउंसलिंग आल्सो एंड एट प्रेजेंट ही इज़ अ क्लिनिकल डायरेक्टर एट स्टर्लिंग अक्यूरस लेबोरेटरी एंड वो मोर देन थर्टीन ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ जेनेटिसिस्ट एंड अ क्लिनिकल जेनेटिक काउंसिलर सो वेलकम सर थैंक यू और आज एक्चुअली सर को बुलाने का स्पेशल जो रीज़न है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको जेनेटिक टेस्ट के बारे में काफ़ी सारे मिथ्स हैं काफ़ी सारे क्वेरीज हैं सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक अबाउट द जेनेटिक टेस्ट कि जेनेटिक टेस्ट एग्जैक्टली क्या होते हैं और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम जो भी उनके ओपिनियंस हैं और जो बेस्ट क्लिनिकली और साइंटिफिकली प्रूवन जो आंसर्स हैं वह आज आपको मिलेंगे सो वेलकम सर वंस अगेन और सर पहला मेरा क्वेश्चन है कि बेसिकली हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि जेनेटिक टेस्ट का मतलब क्या होता है सो मैम बेसिकली जेनेटिक टेस्ट ये है कि uh, जब कभी भी हमारे डीएनए या फिर क्रोमोजोम हम जिसे बोलते हैं उसमें कुछ भी चेंजेस हो तो उससे काफ़ी सारी तकलीफ हो सकती है जैसे इनफर्टिलिटी रिपीटेड अपोशंस कैंसर तक हो सकता है सो जेनेटिक टेस्ट बेसिकली क्रोमोज़ोम और डीएनए में क्या खामी है और क्या सही हो चेक करना दैट इज़ बेसिकली जेनेटिक टेस्ट जेनेटिक टेस्ट सो जेनेटिक टेस्ट मतलब कि क्रोमोज़ोम में कोई भी डिफेक्ट होगी तो उसकी जानकारी लेना दैट इज़ बेसिकली अ जेनेटिक टेस्ट सर जेनेटिक टेस्ट जो है सपोज हम कोई पेशेंट है या तो कौन से कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको जेनेटिक टेस्ट करवाने से बेनिफिट मिलता है सो बेसिकली मैम अगर हम बात करें तो जेनेटिक टेस्ट इज वेरी यूजफुल जिन्हें रिपीटेड अबोशन हो रहे हैं ऐसे कपल्स में जेनेटिक टेस्ट करवाना चाहिए अगर कोई प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वाला पेशेंट है तो उसमें भी जेनेटिक टेस्ट वेरी बेनिफिशियल रहता है इनकेस uh, ऑफ कौन अबनॉर्मलिटीज में हुँ. अगर आ, कोई बच्चा है तो उसमें भी जेनेटिक टेस्ट करानी चाहिए और फैमिली हिस्ट्री कुछ भी हो ऐसे कुछ भी मेंटल रिटार्डेशन या कुछ हुँ. भी तो वहाँ पे भी जेनेटिक टेस्ट का आ, कराने से बहुत फ़ायदा हो सकता है सर uh, हमारे पास जनरली जो पेशेंट्स होते हैं बीइंग आई वी स्पेशलिस्ट सो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं कि उनको बार बार मिसकरेज हो रहे हैं या तो फिर इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स होते हैं तो स्पेशली जो पेशेंट्स हैं जिनको इनफर्टिलिटी है या तो जो बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री हम कहते हैं कि रिकरेंट मिसकैरेज है सिक्स सेवन अबॉर्शंस है ऐसे पेशेंट में जेनेटिक टेस्ट करवाने से कोई उनको बेनिफिट मिल सकता है जी मैम जैसे रिपीटेड अबॉर्शंस का हिस्ट्री रहता है जो पेशेंट में तो इवन लिटरेचर और डेटाबेस और हमारा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि ऐसे पचास टका प्रतिशत कपल्स में जीनेटिक खामियां जवाबदार हो सकती हैं जिसकी वजह से उन्होंने रिपीटेड अबोशन हो रहे हैं या दे आर नॉट एबल टू कंसिव सो डेफिनेटली अगर ऐसे पेशेंट में जेनेटिक टेस्ट करवाए तो उनको फ़ायदेमंद रहता है यस yes. सो so, अभी ये जो कपल्स हैं फॉर एग्जांपल जिनको इनफर्टिलिटी है तो ऐसे पेशेंट में फॉर एग्जाम्पल अगर आ, जो कपल कैरियो टाइपिंग जनरली हाँ, हम लोग जो एडवाइस करते हैं दैट इज अ कपल कैरियोटाइपिंग सो कपल कैरियो टाइपिंग हाँ, और दूसरा एक टेस्ट होता है माइक्रो तो ये दोनों में से कौन सा बेटर होता है या तो आ, मतलब उसके फायदे क्या होते हैं दोनों टेस्ट तो बेसिकली so, अगर हम बात करें मैम तो जहाँ पे रिपीटेड अबोशन हो रहा है ऐसे कपल में हमारे लिए पहला टेस्ट जो आई रेक मैं रेकमेंड करता हूँ वो कपल कैरियोटाइप है क्योंकि कपल जहाँ वो मेंटली फिजिकली दे आर लुकिंग एब्सोलूटली नॉर्मल उनको कोई दिक्कत है नहीं, नहीं।, नहीं। तो बेसिकली हो सकता है कि वो एक कैरियर हो सकते हैं कोई भी जेनेटिक अब के लिए और उसकी वजह से उनके बच्चों में कुछ खामियां आ सकती है सो so, कैरियो का जो है दैट डिटेक्ट्स बैलेंस जो होता है ट्रांसलोकेशन इन्वर्जन वो भी डिटेक्ट कर सकता है और अनबैलेंस इवेंट जो होती है जीनोम में वो भी डिटेक्ट कर सकता है जबकि माइक्रो एरे जो है वो सिर्फ अनबैलेंस इवेंट ही डिटेक्ट कर सकता है जो कि कपल में बैलेंस इवेंट होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू अनबैलेंस इवेंट सो so, कपल के लिए कैरियोटाइपिंग इज मोर बेटर बेटर सो जो भी इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स होते हैं सर का कहना ये है कि कपल केरियो जो जनरली हम लोग एडवाइज करते हैं एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन राधर देन माइक्रो एरे कपल कैरियोटाइपिंग इज़ अ यूज़फुल ऑप्शन सर हमारे uh, जो पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रीवियस थ्री और मोर अबॉर्शंस वगैरह हुए हैं तो वैसे पेशेंट में काफ़ी बार हम प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जो है जो बच्चे की जो टिश्यू है उसको भी जेनेटिक टेस्ट के लिए भेजते हैं तो क्या ये टेस्ट ज़रूरी है और यदि ज़रूरी है तो उससे क्या जानकारी मिल सकती है मैम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन से जेनेटिक टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें एक्चुअल आइडिया लगेगा कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से डेट फीटस वह अपना लाइफ स्पान कंटिन्यू नहीं कर पाया और 50 परसेंट केसेस में हमें जीनेटिक अब जैसे क्रोमोजोम में ट्राइजोमी मोनोजोमी मिलती है तो अगर वो मिलती है तो हम पेशेंट को काउंसिल कर पाते हैं कि अगली प्रेगनेंसी में हम क्या ऑप्शन से आगे बढ़ सकते हैं yes. या अगर चाहिए तो फिर वो दूसरी प्रेगनेंसी में प्रीनेटल टेस्ट भी कराना है हुँ. तो कौन सा टेस्ट कराना है वो भी हमें आइडिया लगे आइडिया लग सकता है यस yes. सर uh, दूसरा एक uh, हमारे व्यूअर का भी क्वेश्चन आया था कि फैमिली हिस्ट्री अगर है कोई जेनेटिक डिजीज की या तो कोई एबनॉर्मैलिटी आई है जेनेटिक टेस्ट में तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका टेस्ट करना ज़रूरी होता है और क्यों मतलब जरूरी होता है हाँ जैसे कोई फैमिली में कुछ भी हिस्ट्री हो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी का तो उनके फैमिली मेंबर्स में जेनेटिक टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि वो जेनेटिक अब नॉर्मलिटी के लिए वो फैमिली मेंबर्स कैरियर हो और इन फ्यूचर उनके बच्चों में वो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हैं, हैं तो उनको स्क्रीनिंग पहले करना बहुत ही जरूरी है ओके सो so, यानि कि जो भी अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनका स्क्रीनिंग होगा उसमें कोई भी कैरियर है हाँ। तो वह हिसाब से हम फॉर एग्जांपल जो भी कपल हैं वह कंसीव करता है तो जब भी उनका एंटीनेटल पीरियड होता है यानी कि प्रीनेटल जो जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं उसमें हम वही स्पेसिफिक टेस्ट रेकमेंड कर सकते, सकते हैं सो सर uh, so, आपने काफ़ी डिटेल में हमें जेनेटिक टेस्ट के बारे में जानकारी दी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं जेनेटिक टेस्ट के ऊपर जी जब भी मिस्ड अबोशन या इनफर्टिलिटी हो तो वहाँ पे जेनेटिक टेस्ट बहुत ही क्रूशियल होता है और जेनेटिक टेस्ट आपको और आपकी फैमिली के फ्यूचर के लिए प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही गाइडेंसफुल रह सकता है सो so, आप कभी भी ऐसा फैमिली में हो या आपको हो तो डेफिनेटली आपको जेनेटिक कंसल्टेंट से सलाह मशूरा लेना चाहिए और सर लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो एटमॉस्फेयर पे या उस पर कोई डिपेंड करता है क्योंकि काफ़ी हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं तो अपना जो ये बेल्ट है हजीरा और यहाँ okay. से तो एयर पोल्यूशन वगैरह भी काफ़ी रहता है right. जैसे अंकलेश्वर वगैरह है तो एनी आ, प्रोफेशनल हेज़ार्ड मतलब उसकी वजह से भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस है। रहते हैं जी है। है। मैम जी मैम डेफिनेटली yes. ऐसे काफ़ी सारे केमिकल्स हैं या हम कह सकते हैं कि हैजार्डियस थिंग्स हैं रेडिएशंस हैं जिसकी वजह से भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस हैं डेफिनेटली सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव भाई फॉर बींग विथ अस और एज एन एक्सपर्ट काफ़ी सारे आपके माइंड में भी केस कोई भी क्वेरीज़ है जेनेटिक टेस्ट के रिलेटेड या तो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में जेनेटिक टेस्ट क्यों करना चाहिए या तो कोई पेशेंट है जिनको बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो आप भी अपने जो भी क्वेरीज रहेंगे वह ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हम जल्दी कोशिश करेंगे आप आपकी जो क्वेरीज़ है उसको सॉल्व करने के लिए सो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन एंड थैंक यू गौरव भाई थैंक यू